हेलो एवरीवन, आरएमसी का एग्ज़ाम पास में है और उससे रिगार्डिंग कुछ स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे। बेसिकली तीन पेपर्स हैं आरएमसी में, मैथ्स, जीके और इंग्लिश। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या स्ट्रैटेजी रखनी है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। तो आपका जो मैथ्स का पेपर है, ठीक है, सबसे पहले मैथ्स का जो पेपर है आपका, इसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, अराउंड 30 क्वेश्चंस। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस में से जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 होंगे, वो होंगे आपके 5 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 कैरी 10 मार्क्स। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर उनको जैसे ही मिलता है वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना शुरू कर लेते हैं। नहीं, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बच्चों ने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है और सबसे पहले जो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको करना है, क्योंकि यू विल फाइंड लेटर ऑन कि जो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये तो सेम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले करने चाहिए। अच्छा, 10 मार्क्स वाले में भी एक दो क्वेश्चन होंगे जो लेंदी होंगे, लाइक पाई चार्ट एंड ऑल। ठीक है, तो उनको अवॉइड करते हुए अगर हम 7 to 8 क्वेश्चन भी अगर हम पहले कर लें 10 मार्क्स के, तो हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आरएमसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल सॉल्व 10 मार्क्स क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, उसमें पार्ट बी होगा, उस पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 होंगे, उनको अच्छे से देखना, उनमें से जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पर आप टिक ज़रूर मारेगा बेटा। ठीक है, उन पर आप टिक मार के और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 20 पे आना, और उसमें जो आपको 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जो आप पहले करोगे उन पे भी आप टिक मार लेना और फिर स्टार्ट करना। और स्टार्ट करते वक्त इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप पहले पार्ट बी ऐसे लिखेंगे, पार्ट बी। ठीक है, और पार्ट बी और नंबरिंग अच्छे से करनी है। अगर आप पार्ट बी में सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 29 मुझे करना है, मुझे 29 आता है, तो मैं पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 29 करके फिर सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, सब्जेक्टिव है, अच्छे से गिवन लिखना है, सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, मेथड्स के मार्क्स भी मिलेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो लाइन में नहीं होगा बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देन जब आपको लगे कि पार्ट बी के मुझसे सारे क्वेश्चंस हो गए या जितने आते हैं उतने हो गए, देन यू विल कम टू पार्ट ए। फिर आप पार्ट ए हेडिंग ज़रूर डालना, और पार्ट ए में फिर क्वेश्चन नंबर अगर मुझे 7 पहले आता तो मैं 7 पहले करूँगा, फिर 6 करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, नंबरिंग, लेकिन नंबरिंग प्रॉपर डालनी है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने 6 डाल दी, यू विल गेट 0 बेटा। अगर नंबरिंग गलत होगी तो द एग्जामिनर विल गिव यू 0, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैथ्स का पेपर मिलते ही व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल स्कैन इट, उसमें भी मैं पार्ट बी को पहले स्कैन करूँगा जिसमें 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं, और जो मुझे इजी लगेंगे उनको मैं पहले करूँगा, एंड देन आई विल कम टू पार्ट ए जो 5 मार्क्स का है। ठीक है, और टाइम का भी आपने ध्यान रखना है, टाइम आपको 1.5 आवर दिया है सिर्फ। ठीक है, टाइम जो आपको अलॉट हुआ है दैट इज़ 1.5, 1.5 घंटे का टाइम है, तो आपने अकॉर्डिंगली मेहनत करनी है बेटा। ठीक है, 1.5 आवर का टाइम है, तो कम से कम एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में 3-4 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, उसको छोड़ के आप किसी दूसरे क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर है इंग्लिश, जो आपका फर्स्ट डे होने वाला है, ठीक है, 2 दिन ये पेपर होते हैं, 1 जून एंड 2 जून, और पहले दिन मैथ्स और इंग्लिश बच्चों का हो जाता है। अब हम इंग्लिश में आते हैं। अच्छा, इंग्लिश इज़ अगेन टोटली सब्जेक्टिव बेटा, इंग्लिश आपका 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, और ये है आपका 125 मार्क्स का पेपर। ठीक है, और 125 मार्क्स के पेपर में राइटिंग पार्ट आता है आपका। ठीक है, राइटिंग पार्ट में कॉम्पोजिशंस हैं, एसेज हैं, सिचुएशन से रिलेटेड आप लोगों को कॉम्पोजिशंस लिखने पड़ते हैं, पिक्चर बेस्ड कोई स्टोरी आपको लिखनी पड़ती है, तो वो राइटिंग का पार्ट है। और उसके बाद रीडिंग का पार्ट है, रीडिंग के पार्ट में आपकी पोयम आती है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये टाइम कंज्यूमिंग हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सभी के लिए, जिसका रीडिंग एंड राइटिंग बहुत अच्छा है वो बहुत जल्दी इसे कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रीडिंग राइटिंग अच्छा नहीं होने के कारण मैं सबको यही कहूँगा कि आप राइटिंग और रीडिंग वाला पार्ट एंड में करना। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रामर वाला पार्ट करेंगे। ठीक है,
ग्रामर वाले पार्ट में आपका यू हैव टू फाइंड एरर्स या यू हैव टू रिराइट द सेंटेंस या एक्टिव से पैसिव में लिखना है या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच या रिराइट द सेंटेंस यूजिंग आपको दे सकता है. असर्टिव सेंटेंस है उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली उसे हम कहते हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. ठीक है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा कि अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो. ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, idioms and phrases, proverbs, ये सारे आपके ग्रामर वाले पार्ट है, तो इसको आपने पहले करना है. ठीक है, तो ये आप जब अगर आप इसको पहले करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा एंड देन लेटर ऑन यू कैन जम्प इनटू राइटिंग एंड रीडिंग पार्ट. ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि एग्ज़ाम देने से पहले या इन्हीं कुछ दिनों में आप यूट्यूब में मेरा एक लेक्चर है बेस्ड ऑन टेंसेज. ठीक है, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी हमारा यूट्यूब पेज है और उसमें आप टेंसेज वाला वीडियो ज़रूर देखना. ठीक है, डू वॉच दिस वीडियो, टेंसेज वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. उसमें मैंने एक्टिव पैसिव भी कवर किया है. उसके बाद मैंने एक वोकैबुलरी वाला भी एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसको भी ज़रूर देखिएगा. और और एन कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस बच्चों को बताए हैं. डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, और उसके अलावा थोड़ा सा आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स मतलब वोकैबुलरी वाला सेक्शन थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर करना लास्ट में जाने से पहले. जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स आरएमसी अरिहंत फॉलो कर रहे हो तो उससे भी आप जो लास्ट 10 ईयर्स में जो वोकैबुलरीज आई हैं वही देखना इनफ है. उसी में जो प्रोवर्ब्स आए हैं, एडियम्स आए हैं, वही देखिए, उसी का थोड़ा सा राइटिंग पार्ट प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इंग्लिश का पेपर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको एक प्रैक्टिस और एक हैबिट हो जाए कि विद इन 2 आवर्स आई एम एबल टू कम्प्लीट द होल पेपर और नॉट. ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है. तो ये जो 2-3 दिन लास्ट के बचेंगे आप ज़रूर इंग्लिश का पेपर, मैथ्स का पेपर और जीके का पेपर एक बार ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, कौन से करोगे, जो लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स आपको दे रखे हैं उन्हीं को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू जीके. ठीक है, जीके का पेपर है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 मार्क्स का पेपर है. जीके का सबसे आसान है, सबसे आसान इन द सेंस कि अगर आता है तो बच्चे इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है. जीके के पेपर में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे कि आप ऐसे टाइम मैनेज करें ऐसे करें, नहीं, इसमें आप कोई सभी पार्ट पहले कर सकते हैं, शुरू से भी आप शुरुआत शुरू से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जीके के पेपर में लेकिन पढ़ना कैसे है आपको बेटा, आजकल करंट अफेयर लिंक्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो सबसे पहले आप जनवरी टू अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है, हमारी वेबसाइट में defenseofficersacademy.in, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी defenseofficersacademy.in और ऊपर लिंक भी दिया है. आप उस वेबसाइट में जाकर मंथली जो करंट अफेयर्स है जनवरी टू अप्रैल उसको डाउनलोड करके और उस पर क्वेश्चन बेस्ड उनको हमने रखा हुआ है विद 4 ऑप्शंस, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो उनको एक बार रिवाइज़ करके फिर आप वहाँ से स्टैटिक डेटा भी आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे जाएंगे. क्योंकि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इज़ इटसेल्फ ह्यूज, उसमें इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, कौन सी कैपिटल आपसे पूछ ले आप कैसे बताओगे, तो कैसे बताएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी बोलीविया विज़िट किया, उन्होंने क्रोशिया विज़िट करा, उन्होंने चिली विज़िट करा, तो आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बोलीविया, या कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में, या व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चिली, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. क्यों पूछे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है, हमारे प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली विज़िट किया. उसके अलावा जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग मैसेकर को 2019 में हंड्रेड ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो वो भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. ठीक है तो स्टैटिक डेटा जो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड था इसलिए एग्ज़ाम में आया. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इलेक्शंस अभी चल रहे थे तो उसमें हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है. टोटल लोकसभा सीट्स कितनी थी, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके. हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ये एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे लेटेस्ट या करंट अफेयर्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो जनवरी टू अप्रैल का करंट अफेयर देखते हुए आप कोई भी जीके की बुक फॉलो कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास अरिहंत है लास्ट 10 ईयर्स की तो आप उसी में जीके कर सकते हो, लेकिन वो जीके आपने पहले स्टैटिक डेटा नहीं याद करना. ठीक है, आप पहले करंट अफेयर्स करो और फिर करंट अफेयर्स से उस चीज़ को रिलेट करके तब जीके पढ़ो. ठीक है, और लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ,
अपने हथियार तैयार कर लेना, हथियार से मतलब है अपने पेन्स, ठीक है, जो पेन आपको लगता है सबसे कंफर्टेबल है लिखने के लिए वो आप पेन ज़रूर अपने साथ पहले से उसको आप रख लीजिएगा, और एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से आप क्या करेंगे, ब्लैक स्केच भी आप यूज़ कर सकते हो हेडिंग्स के लिए, ठीक है, ब्लू पेन और ब्लैक स्केच पेन, ठीक है, हेडिंग के लिए, क्योंकि बेटा आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और अच्छा अच्छा लिखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है, तो ब्लैक स्केच पेन का यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। जितना इफेक्टिव आप अपना राइटिंग करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूर कैरी करना, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि कुछ मैथ्स में क्वेश्चंस ज्योमेट्री बेस्ड आते हैं जिसमें यू हैव टू ड्रॉ पॉलीगन्स एंड ऑल, ठीक है, तो वो ज़रूर कैरी करना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।